Hello everyone, today we are going to start last topic of class 3rd English grammar, that is yes or no questions. कुछ questions के answer yes or no में भी दिए जा सकते हैं. ऐसे कौन से questions हैं? Let's find out. Questions that can be answered in yes or no are called yes or no questions. ऐसे questions जिनके answers yes or no में दिए जा सकते हैं, ये questions कहलाते हैं yes or no questions. और इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं या इनके आंसर्स कंप्लीट सेंटेंस में भी दिए जा सकते हैं. जब कोई क्वेश्चन के बिगिनिंग में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स हम यस और नो में दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इज शी योर सिस्टर. इस क्वेश्चन के बिगिनिंग में हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं. राइट. यस सी इज माई सिस्टर. हाँ, वह मेरी सिस्टर है. यस सी इज, यह शॉर्ट फॉर्म, और शॉर्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं यस के साथ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब का. नो सी इजंट माई सिस्टर. इजंट है इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म. नहीं, वह मेरी सिस्टर नहीं है. जब हम आंसर नो में देते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट का यूज करते हैं. नो सी इजंट और नो में आंसर देने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. तो शॉर्ट फॉर्म के आंसर में हम नो के बाद यूज़ करते हैं सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज़ किया जाता है. क्लियर. और नेक्स्ट इज, डज सी गो टू स्कूल. क्या वह स्कूल जाती है. जब क्वेश्चन में डू या डज गिवन होता है तो हम आंसर में भी डू या डज का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली. यस सी गोज़ टू स्कूल. या हाँ, वह स्कूल जाती है. यस सी डज, जैसे कि आंसर हम क्या यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, तो हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज़ किया है डज का सी के साथ. नो सी डजेंट गो टू स्कूल. नो सी डजेंट, डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है डजेंट. आर यू गोइंग टू द पार्क. अगर क्वेश्चन में इज आर एम गिवन है तो आंसर में भी हम इज आर एम का ही यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली. यस वी आर गोइंग टू द पार्क. और क्वेश्चन में अगर यू का यूज़ किया गया तो अब आंसर में आई या वी का यूज़ करते हैं आंसर देते हुए. यस वी आर. नो वी आर नॉट गोइंग टू द पार्क. नो वी आर नॉट या वी आरंट. नाउ दीज आर द हेल्पिंग वर्ब. द फॉलोइंग स्पेशल वर्ब्स आर यूज टू मेक यस और नो क्वेश्चंस. यस और नो क्वेश्चंस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन के बिगनिंग में. ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, विल, शैल. और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं क्वेश्चंस को फॉर्म करने के लिए, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम यस और नो में दे सकते हैं. नाउ क्वेश्चन इज, आंसर इज क्वेश्चन विद यस इन फुल एज वेल एज शॉर्ट फॉर्म. यहाँ आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर यस में देने हैं, जिसमें आपको फुल फॉर्म का भी यूज़ करना है आंसर देते हुए और शॉर्ट फॉर्म का भी आपको यूज़ करना है. ए पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, आर यू हैप्पी हेयर. क्या तुम यहाँ खुश हो. क्योंकि क्वेश्चन में यू है तो हम आंसर आई में देंगे, और इज आर एम वाले क्वेश्चन में हम आंसर में भी इज आर एम का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली. राइट. और आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं एम का. यस आई एम हैप्पी हेयर. यस आई एम. इज ऋतु अ क्लेवर गर्ल. यस सी इज अ क्लेवर गर्ल. तो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में किसी का नेम गिवन है तो हम आंसर में ही या शी का यूज़ करते हैं. अगर कोई एनिमल है तो एनिमल के लिए हम यूज़ करते हैं इट का. और क्वेश्चन के बिगनिंग में अगर वाज का यूज है या वर्क का यूज है तो हम आंसर में भी वाज या वर्क का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट को देखते हुए. नाउ सेकंड का आंसर आप लिखेंगे यस सी इज अ क्लेवर गर्ल. यस सी इज. थर्ड क्वेश्चन, वाज द लायन हंग्री. द लायन. यस इट वाज हंग्री. यस इट वाज. फोर्थ, आर दीज एप्पल्स स्वीट. यस दीज आर स्वीट. यस दीज आर. बी पार्ट, आर यू गोइंग टू दिल्ली. जैसे कि मैंने आपको बताया था यू के प्लेस पर हम क्या यूज़ करते हैं आई का, और आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे एम का, क्योंकि क्वेश्चन में आर गिवन है. यस आई एम गोइंग टू दिल्ली. यस आई एम. क्वेश्चन में अगर नेम गिवन है तो हम क्या यूज़ करेंगे ही या शी का. राइट. अगर क्वेश्चन में प्लूरल सब्जेक्ट है मीन्स द बॉयज, द गर्ल्स, चिल्ड्रन है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं दे का. yes, he is doing his homework. Yes, they are playing a match. The boys के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दे का, और दे के साथ आर का यूज़ किया जाता है. Yes, they are. Now, next सी पार्ट. क्वेश्चन फर्स्ट, हैज जॉन अ न्यू कार. जब क्वेश्चन में हैज या हैव का यूज़ किया गया है तो हम आंसर में भी हैज और हैव का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली. हैज का यूज़ किया जाता है सिंगल पर्सन के साथ और हैव का यूज़ किया जाता है प्लूरल नाउन के साथ एंड आई और यू के साथ. जॉन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही का, राइट. यस ही हैज अ कार. यस ही हैज. अगर क्वेश्चन में हैड गिवन है तो हम आंसर में हैड का यूज़ करते हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ, मीन्स सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का यूज़ करते हैं, मीन्स पास्ट टेंस का. यस ही हैड मैनी फ्रेंड्स. यस ही हैड. यस माई सिस्टर हैज कम बैक. यस सी हैज. नाउ डी पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, डू यू प्ले क्रिकेट. यस आई प्ले क्रिकेट. तो स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन में डू या डज का यूज किया गया है तो हम आंसर में भी डू और डज का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली. क्लियर. अगर क्वेश्चन में डिड का यूज है क्वेश्चन के बिगिनिंग में तो हम आंसर में ऑल सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करते हैं. यस आई प्ले क्रिकेट. यस आई डू. यस ही लाइक्स दिस बुक. यस ही डज. ही के साथ हमने यूज़ किया डज का और आई के साथ डू का, क्योंकि डू का हम यूज़ कहाँ करते हैं? आई यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जबकि डज का यूज़ किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. क्लियर. और डिड का यूज़ हम ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं. यस दे रीड दिस बुक. यस दे डिड. ई पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, कैन ही लिफ्ट दिस बॉक्स. क्वेश्चन में अगर कैन का यूज है तो आंसर में हम कैन का यूज़ करेंगे. यस ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स. यस ही कैन. और क्वेश्चन में अगर विल या शैल का यूज है तो आंसर में हम विल और शैल का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली. यस यू विल गो विद अस. यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? विल का यूज़ करते हैं, राइट. यस यू विल. क्वेश्चन में अगर शुड या वुड का यूज है तो आंसर में हम शुड या वुड का यूज़ करते हैं. शुड सी बाय दिस बुक. क्या उसे यह बुक खरीदनी चाहिए? यस शी शुड बाय दिस बुक. हाँ उसे यह बुक बाय करनी चाहिए. यस सी शुड. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, नाउ आंसर इज ऑफ द अबव क्वेश्चंस विद नो इन फुल एज वेल एज शॉर्ट फॉर्म. जिन क्वेश्चंस के आंसर अभी हमने यस में दिए उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नो में देने हैं. उसमें आपको फुल फॉर्म का भी यूज़ करना है आंसर देने के लिए और शॉर्ट फॉर्म का भी आपको यूज़ करना है. ए पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, आर यू हैप्पी हेयर. नो आई एम नॉट हैप्पी हेयर. क्योंकि क्वेश्चन में यू है तो हम आंसर में आई का यूज़ करेंगे और आई के साथ एम का यूज़ होता है, राइट. और नॉट का हम यूज़ क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब एज एम आर के साथ हम यूज़ करते हैं नॉट का. एज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, डू नॉट, डिड नॉट. क्लियर. नो आई एम नॉट. आर यू गोइंग टू दिल्ली. नो आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली. नो आई एम नॉट. ए पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, इज रितु अ क्लेवर गर्ल. नो सी इज नॉट अ क्लेवर गर्ल. नो सी इज नॉट. क्वेश्चन में वाज है तो हम वाज नॉट का यूज़ करेंगे. नो इट वाज नॉट हंग्री. नो इट वाज नॉट. नो दे आर नॉट स्वीट. नो दे आर नॉट. क्लियर. नाउ बी पार्ट, क्वेश्चन सेकंड, इज रमन डूइंग हिज होमवर्क. रमन के प्लेस पर हम क्या यूज़ करेंगे? ही का एंड इज नॉट का. No, he is not doing his homework. No, he is not. No, they are not playing a match. No, they are not. आपको क्या ध्यान रखना है? Not का यूज़ कहाँ किया जाएगा? आंसर के बिगनिंग में हम yes और no का यूज़ करते हैं और no के साथ हम not का भी यूज़ करते हैं. No, he was not plowing his field. क्योंकि क्वेश्चन में was given है और the farmer के लिए हम यूज़ करते हैं he का. क्लियर. No, he was not. सी पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, हैज जॉन अ न्यू कार. हैज के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हैज का या हैव का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को देखते हुए. नो ही हैज़ नॉट अ न्यू कार. ही के साथ हैज का यूज़ होता है. क्लियर. नो ही हैज़ नॉट. और हैड का यूज़ होगा ऑल सब्जेक्ट के साथ. नो ही हैड नॉट मैनी फ्रेंड्स. नो ही हैड नॉट. अब आप इजीली सभी के क्वेश्चन के आंसर्स नो में भी दे सकते हैं, राइट. नो आई हैव नॉट टेकन माई शेयर. No, I have not. D part. Do you play cricket? No, I do not play cricket. No, I don't. Do not की short form क्या है? Don't. Does he like this book? No, he doesn't like this book. No, he doesn't. शॉर्ट फॉर्म में हम केवल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड शॉर्ट फॉर्म नॉट का यूज कर सकते हैं. नो ही डिड नॉट कम टुडे. नो ही डिडंट. नाउ यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वर्ड्स का यूज किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, और क्वेश्चन वर्ड का हम यूज करते हैं सेंटेंस के बिगनिंग में. हु का यूज़ कहाँ किया जाता है? हु का यूज़ हम करते हैं किसी पीपल के बारे में पूछने के लिए. जबकि वाट का यूज़ किया जाता है टू आस्क अबाउट थिंग्स, जब हम किसी थिंग के बारे में पूछते हैं. एंड व्हेन, व्हेन का हम यूज़ करते हैं जब हम किसी टाइम के बारे में बात करते हैं. एंड वेयर, वेयर का यूज़ किया जाता है जब हम किसी प्लेस के बारे में पूछना चाहते हैं. वी यूज वेयर. एंड वाई, वाई इज़ यूज टू आस्क अबाउट रीजन, जब हम कोई रीजन जानना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं वाई का. एंड हाउ, हाउ इज़ यूज टू आस्क इन वाट वेज, कोई एक्शन हुआ है, किस वे में हुआ है, कैसे एक्शन हुआ है, हम यूज़ करते हैं हाउ का. नाउ क्वेश्चन वर्ड्स कम एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. क्वेश्चन वर्ड का हम यूज़ कहाँ करते हैं? सेंटेंस के बिगनिंग में. Who is that pretty girl? Who का यूज़ किया गया है pretty girl के लिए. How old she is? उसकी एज क्या है. What is her name? Where does she live? हम ये जानना चाहते हैं वह कहाँ रहती है, तो हमने यूज़ किया where का. राइट. When did you meet her? आप उससे कब मिले, हम टाइम जानना चाहते हैं, so we use when. Why she is standing here? उसका हम रीज़न जानना चाहते हैं, वो यहाँ क्यों खड़ी है, so we use why. Which doll does she want? ये है क्वेश्चन वर्ड्स. नाउ सेंटेंस क्वेश्चन इज बिगिन ईच क्वेश्चन विद हु, वाट, वेयर, व्हेन और वाई. इज योर नेम, हम यहाँ यूज करेंगे वाट का नेम जानने के लिए. डू यू लिव मीन्स हम प्लेस जानना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे वेयर का, वेयर डू यू लिव. व्हेन डू यू गो टू बेड, आप बेड पर कब जाते हैं, हम टाइम पूछ रहे हैं. वाई इज द चाइल्ड क्राइंग, हम चाइल्ड के रोने का रीज़न जानना चाहते हैं तो हमने यूज़ किया वाई का. हु टीचर्स यू इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ये पूछने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हु का. क्लियर. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल क्वेश्चन वर्ड्स. वाट इज योर नेम, क्योंकि आंसर गिवन है रीना. आंसर यहाँ पर क्या है, एट वर्क. इट मीन्स हम पूछना चाहते हैं कि उसके फादर कहाँ पर हैं. वेयर इज योर फादर, एट वर्क. इट इज़ इन पंजाब, हम प्लेस की बात कर रहे हैं तो यूज़ करेंगे वेयर का. वेयर इज़ लुधियाना, इट इज़ इन पंजाब. इसका आंसर क्या है, टाइम दिया हुआ है, सो वी यूज़ व्हेन. व्हेन डू यू हैव योर लंच, एट 1:30. हु इज स्टैंडिंग देयर, इट इज़ माई फ्रेंड नमन. थर्ड क्वेश्चन, एड अ क्वेश्चन वर्ड टू ईच क्वेश्चन. वेयर आर माई बुक्स, बुक्स का प्लेस हम जानना चाहते हैं तो हमने यूज़ किया वाई वेयर का. राइट. वाई वर यू लेट, यहाँ हम लेट होने का रीज़न जान रहे हैं, पूछ रहे हैं उससे, तो हमने यूज़ किया वाई का, वाई वर यू लेट. वाट आर यू लर्निंग. व्हेन डज द सनराइज, सनराइज कब होता है, हमने सनराइज होने का टाइम पूछा है. हु कुक्स फूड फॉर यू, हम उस पीपल के बारे में जानना चाहते हैं जिसने आपके लिए खाना पकाया. राइट. व्हेन विल द ट्रेन कम, ट्रेन कब आएगी, मीन्स हम टाइम पूछ रहे हैं ट्रेन के आने का, तो हमने व्हेन का यूज़ किया है. हु टीचर्स यू इंग्लिश एंड वेयर डज योर अंकल लिव. वाट इज़ योर टेलीफोन नंबर, आपके टेलीफोन का क्या नंबर है. वाई डिड द टीचर पनिश हिम, टीचर ने उसे पनिश क्यों किया है, जब हम रीजन पूछते हैं तो हम यूज़ करते हैं वाई का. ना डॉल्सी रीच्ड हर स्कूल लेट, यहाँ डॉल्सी गर्ल है जो कि स्कूल लेट पहुँचती है और उसके टीचर एंग्री हो जाते हैं डॉल्सी के साथ और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इनकी कन्वर्सेशन को आपको कंप्लीट करना है आंसर देते हुए। डॉल्सी, टीचर ने पूछा, वाई आर यू लेट टूडे? डॉल्सी ने रिप्लाई किया, मैम आई एम लेट बिकॉज आई कुड नॉट वॉक फास्ट, क्योंकि मैं तेज नहीं चल सकी। टीचर, वाई कुडंट यू वॉक फास्ट? डॉल्सी ने रिप्लाई किया, आई कुडंट वॉक फास्ट बिकॉज आई हर्ट माई लेग, क्योंकि मेरे लेग में क्या हुआ था, चोट लग गई थी, उसने रिप्लाई किया। नाउ टीचर ने अगेन पूछा, वाई डिड यू हर्ट योर लेग? आपके पैर में चोट कैसे लगी है, आपका लेग कैसे हर्ट हुआ है? तो आंसर उसको क्या मिला है, टीचर को रिप्लाई किया डॉल्सी ने, आई हर्ट माई लेग बिकॉज आई फेल डाउन, क्योंकि मैं गिर गई थी। राइट। नाउ टीचर, वाई डिड यू फॉल डाउन? आप क्यों गिर गए थे? आई फेल डाउन बिकॉज आई वाज रनिंग फास्ट, क्योंकि मैं तेज़ दौड़ रही थी इसलिए मैं गिर गई थी। यहाँ रीजन दिया है उसने, डॉल्सी ने। टीचर, वाई वर यू रनिंग फास्ट? डॉल्सी, आई वाज रनिंग फास्ट बिकॉज आई वाज लेट, क्योंकि मैं लेट थी इसलिए तेज़ दौड़ रही थी। वाट वाई वर यू लेट? आप क्यों लेट थे? मैम आई वाज लेट बिकॉज आई गेट अप लेट टूडे, क्योंकि आज मैं सुबह लेट उठी थी इसलिए आज मैं लेट थी। सो डॉल्सी ने अपने टीचर को इस तरह से रिप्लाई किया। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन वर्ड्स एंड yes or no questions that we have learned in this chapter. Okay students, stay tuned, keep learning.